पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 140 सीटों पर 11 फरवरी को होने वाला मतदान यूपी विधानसभा के नतीजों के लिहाज से बेहद अहम है। मुजफ्फरनगर के दंगों ने राष्ट्रीय लोक दल की बुनियाद हिलाकर रख दी, जिससे जाट और मुसलमान दोनों ने चौधरी अजीत सिंह का साथ छोड़ दिया। जाट बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन जाटों की नाराजगी ने बीजेपी के माथे पर बल पैदा कर दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने जाट नेताओं को समझाने के लिए बैठक भी की। उन्हें बताया गया कि हर राज्य में बीजेपी ने ही जाटों का साथ दिया है। गन्ने का भुगतान और किसान के कर्ज, रोजगार सब पर बीजेपी तैयार है, लेकिन वोट देने के बाद करना होगा सरकार बनने तक का इंतजार। लेकिन हिंदुओं को एकजुट करने के लिए राम मंदिर और ट्रिपल तलाक भी उछाल दिया गया। साथ ही एक तरफा कार्रवाई की बात उठाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी किया जा रहा है। 200 से ज्यादा जगह पर दंगे हुए हैं और दंगे के अंदर एक तरफा कार्यवाही वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए, वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए एक तरफा कार्यवाही हुई है। बाहर का पीएम किनारे के साथ बीएसपी को अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। कानून व्यवस्था का सवाल उठाकर मायावती गठबंधन को घेर रही हैं। अपने दलित मुसलमान समीकरण के तहत मायावती खुलेआम मुसलमानों को साथ आने का न्योता दे रही हैं। यही नहीं, सपा के मुकाबले बसपा में मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिए गए। अब उलेमाओं की एक संस्था का समर्थन जुटाकर मुसलमानों की मसीहाई का तमगा हासिल कर लिया है। तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए, और तुम सवर कर सनम सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। सपा कांग्रेस गठबंधन को यादव और दूसरी पिछड़ी जातियों के अलावा मुसलमानों के भी पूरी तरह साथ आने का भरोसा है। मुसलमानों को जताया जा रहा है कि धर्म निरपेक्ष गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, इसलिए अखिलेश बीएसपी बीजेपी के रक्षाबंधन की याद बार बार दिला रहे हैं। अरे बीएसपी का नाम क्यों लेते हो आप? बीएसपी के साथ तो आपके रिश्ते अच्छे रहे हैं, कभी कभी रक्षाबंधन भी आपने मनाया है और उत्तर प्रदेश में 3 बार मिलकर सरकार बनाई है। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह को सौदेबाजी की सियासत में महारत हासिल है। सियासी गठजोड़ कर और गठबंधन बदल कर वो हमेशा सत्ता के साथ रहे, लेकिन बीजेपी से अपनी छीनी जमीन वापस लेने के लिए जाटों से बिरादरी की इज्जत का हवाला दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं, उसे तो जो भी मिलना है वो सब बोनस ही है। लेकिन राहुल गांधी नोटबंदी और किसान की बदहाली का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि मजबूत गठबंधन की वजह से ब्राह्मण, दलित और मुसलमान वाला उनका पुराना वोट बैंक वापस आ जाएगा। रजत मिश्रा, एपीएन।